गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम योगेश राजू काठोके है। मैं शारीरिक शिक्षक हूँ। इस ऑनलाइन टीचिंग में मैं आपको योगा पढ़ाने वाला हूँ। वो कहते हैं ना, योगा से ही होगा, यह बात शत प्रतिशत सच है। योग के लाभ अनेक है। योग में हर बीमारी से बचने का इलाज छुपा है। अंग्रेजी में एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही धन है। अगर स्वास्थ्य अच्छा हो तो धन कभी भी कमाया जा सकता है। स्वास्थ्य और मन अच्छा हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने के लिए जरूरी है कि हम मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रहे। योग क्या है? योग के लाभ और उसके नियम जानने से पहले यह जान लेते हैं कि योग आखिर होता क्या है। योग इस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत शब्द युज से हुई है, जिसका मतलब है जुड़ना। कुछ लोगों को लगता है कि शरीर को मोड़ने, खींचने, आड़ा तिरछा करने और सांस अंदर बाहर करने से ही योग हो जाता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग से शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का एक साथ मिलन होता है। कई बड़े योगियों, गुरुओं और ज्ञानियों ने योग को अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। जैसे कि श्री पतंजलि महर्षि ने कहा है, मन को भटकने ना देना और एक जगह पर रखना ही योग है। दुनिया भर में योग की प्रसिद्धि को देखते हुए 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा हर साल 21 जून को विश्व योग दिवस मनाने का फैसला लिया गया। इस ऑनलाइन टीचिंग में मैं आपको योग के लाभ, नियम, प्रकार, योग करने का सही समय और योग शुरू करने से पहले शरीर की मानसिक और शारीरिक स्थिति कैसी होनी चाहिए इस बारे में जानकारी देने वाला हूँ। और साथ ही साथ यह चाहूँगा कि जो वीडियो और जानकारी मैं दूंगा, आप उसका अच्छी तरह से समझकर विधिपूर्वक कार्य करोगे और स्वस्थ रहोगे। धन्यवाद।